ग्रैंड एशियन चैनल न्यूज में आज हम आप सारे सामेईन का स्वागत करते हैं और आज के इस काव्य धारा के कड़ी में कोरबा शहर नहीं, प्रांत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब होने वाली शख्सियत से आपको रूबरू कराने का एक खूबसूरत मौका हमें आपको प्राप्त होगा। तो कोरबा की साहित्यकारा मोहतरमा अंजना सिंह ठाकुर भी कहा जाता है आपको, चूँकि ठाकुर साहब का पूरा नाम मुझे भी मालूम नहीं, आपके पति देव दीपक सिंह ठाकुर, दीपक सिंह ठाकुर साहब की भी आप अर्धांगिनी हैं, कमाल की बात है। और आप एक ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं, और ना सिर्फ ब्यूटी पार्लर चलाती हैं बल्कि शहर के, ज़िला के समाज सेविका के नाम पर भी मशहूर हैं। बहुत सारे कार्य आपके ज़रिए किया जाता रहा है, लेकिन कमाल की बात है कि इतने ज़्यादा व्यस्त होने के बावजूद, इनके पास वक्त नहीं होने के बावजूद, कोई कवित्री बन जाए, शायरा बन जाए, ये तो एक अनहोनी सी बात है, यकीन नहीं होता। लेकिन जब सामने उनकी रचनाओं को सुनने का मौका मिलता है तो मानना पड़ता है कि इनकी रचना में भी वही दम है जो इनकी पर्सनालिटी में है, जो इनकी शख्सियत में है, जो इनकी काबिलियत में है, जो इनके हुनर में है, वो सारा का सारा साक्षात नजर आने लगता है। तो मैं मैडम अंजना से दो चार बात करने की जरूरत करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँ, सुनने में आया कि आप पहले बालको वगैरह में रहा करती थी, तो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत आपने कहाँ से की, वो बराए करम बताने की नवाजिश करें। मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। जबलपुर की? जी। तो डर गया, किस्मत छत्तीसगढ़ कोरबा में लेकर आ गई, पति देव दीपक सिंह जी के साथ बन गई। अच्छा, और 30 वर्षों तक बालको में रही, और कवित्री बनने के शौक तो शुरू से ही रहा, क्योंकि मैं अपने स्कूल और कॉलेजों में वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, और हमेशा अव्वल रही। और एनसीसी की सी सर्टिफिकेट होने के साथ साथ मैं एमपी की सेकंड शूटर भी हूँ। और 10 वर्षों तक मैंने शिक्षिका रही हूँ, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में और बालको के बालको टाउनशिप स्कूल में भी टीचर रही हूँ। फिर जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि बालको प्लांट प्राइवेट होने जा रहा था, कुछ प्राइवेट स्कूलों में कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं जहाँ जॉब करने छोड़ना पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है। फिर मैंने अपना यानी कि तवन्ना ब्यूटी अरोमा क्लिनिक डाला, और 22 वर्षों से मैं इसी घंटा घर में 22 वर्षों से अपना क्लिनिक और पार्लर रन कर रही हूँ। और कवित्री का शौक तो जैसे मैंने बताया कि शुरू से ही रहा है, लेकिन 2005 में मैडम नागेश्वर मैडम के जरिए मैं नारी कृति साहित्य समिति में जुड़ी, और वहाँ से मैंने अपना लेखन कार्य तेजी से किया। और आज ईश्वर की दया है माता रानी की कि मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय तो मैं भूल ही गया था। और जी, जी। मुझे कई सम्मानों से सम्मानित किया गया, मुझे अलंकरण सम्मान मिला, महादेवी सम्मान मिला, प्रेमचंद मुंशी सम्मान मिला, और मैं 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर चुकी हूँ, और अभी 4th तैयारी में है। तो इस तरह से अपनी यात्रा को मैं जारी रखी हूँ, और अखिल मंचों पर भी गई हूँ बाहर भी, और जब भी मौका मिलता है तो मैं अभी भी जाती हूँ। क्या बात है, वैसे तो आपने, मुझे लगता है कि आपने कुछ कम ही बताया है, और अगर वक्त ने इजाज़त दिया होता तो फिर न जाने और क्या क्या आपके अंदर जो खूबियाँ हैं उसे सुनने का मौका हम सारे सामेईन को मिलता, दर्शक और जितने लोग सुन रहे होंगे ललायत होंगे कि इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, इतने बेहतरीन प्रतिभा के मालिका
आज हमारे बीच स्टूडियो में हाजिर हैं। तो सबसे पहले तो एशियन ग्रैंड एशियन चैनल आपका स्वागत ही नहीं करता बल्कि अपने आप में बहुत खुशनसीबी महसूस करता है। धन्यवाद कि आज आपको कुछ सुनने का आपसे मौका मिलेगा। तो क्या मैं जुर्रत करूं आपसे? बिल्कुल कि एक आध रचना, चूंकि सुना है कि आप तो महारत रखती हैं वीर रस में जी, तो फिर मैं एशियन के दर्शक को, दर्शकों को मैं सादर नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और जैसे कि अभी नवरात्रि माता का दिन चल रहा है, तो मेरी कुछ पंक्तियाँ समर्पित होंगी माँ के चरणों को। पहले स्वीकारे सादर नमन, स्वीकारे सादर नमन, विकसित बने भारत, विकसित बने भारत। माँ के जय अम्बे दुर्गा गौरी काली, जय अम्बे दुर्गा गौरी काली, कर दे वतन मेरा वैभवशाली, कर दे वतन मेरा वैभवशाली। हे माता, हे माता अंजना की है विनती, विकसित राष्ट्र में हो गिनती, विकसित राष्ट्र में हो गिनती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। मैं कुछ पंक्तियां और समर्पित करती हूँ देश को। कुर्बानी शहीदों की, कुर्बानी शहीदों की व्यर्थ जाने ना देंगे हम, भारत पर कभी संकट सहज आने ना देंगे हम। देह में जब तक तलक है जा, देह में जब तक तलक है जा, कतरा खून का बाकी, दुश्मन को कदाचित ही कहर ढाने ना देंगे। अरे वाह, कहर ढाने ना देंगे। वाह वाह वाह, क्या सोच है। मेरी कुछ पंक्तियां हैं सुभाष आजाद, सुभाष के लिए, हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, आजाद जी, नेताजी आजाद जी के लिए। मैं भारती का लाल हूँ, मैं भारती का लाल हूँ, आज़ाद हूँ, आज़ाद हूँ, मैं भारती का लाल हूँ, आज़ाद हूँ, आज़ाद हूँ। देश महफूज जब तक सांसों में सांस है, जब तक सांसों में सांस है। मैं वो जवान हूँ, मैं वो जवान हूँ, सबके दिलों की आस हूँ, मैं वो जवान हूँ, सबके दिलों की आस हूँ, जन जन में बास हूँ। हमसे हमसे है सरकार, हम सरकार से नहीं। क्या बात, हमसे है सरकार, हम सरकार से नहीं। वतन की आन पर, वतन की आन पर कुर्बान है जान, तिरंगा को झुकने ना दूंगा, तिरंगा को झुकने ना दूंगा, माँ भारती के आंसू ना गिरने दूंगा। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं भारती का लाल हूँ, मैं भारती का लाल हूँ। गजब की शायरी करती हैं आप, जोश से भर जाए आदमी, जुनूनी हो जाए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपका छुटकारा बस एक रचना और से हो जाएगा? मैं तो गुजारिश करूंगा कि वीर रस पर या आप मैं, जो रस हाँ, पसंद हो, मैं अपनी पसंद की। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि नवरात्रि चल रही है, नारी शक्ति अपने उसमें है, तो मैं एक कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ नारी शक्तियों को। स्वागत है। प्रेम का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक हो तुम, प्रेम का प्रतीक हो तुम, ममता की छांव हो तुम, प्रेम का प्रतीक हो तुम, ममता की छांव हो तुम। बाबुल के आंगन की शोभा, बाबुल के आंगन की शोभा, ससुराल का सम्मान हो तुम, ससुराल का सम्मान हो तुम। जीवन रचना का आधार तुम, जीवन रचना का आधार तुम, हर जीव लेता आकार कोख में तुम्हारी, इस जग की जननी होने का सम्मान हो तुम, इस जग की जननी होने का सम्मान हो तुम। माना, माना मैं प्रेम का प्रतीक हूँ, माना मैं प्रेम का प्रतीक हूँ, बाग में खिला गुलाब हूँ, माना मैं प्रेम का प्रतीक हूँ, बाग में खिला गुलाब हूँ, हर गीत की जान हूँ, हर गीत की जान हूँ, हर गजल अधूरी मुझ बिन, हर गजल अधूरी मुझ बिन, लुटाती हूँ सर्वस्व, लुटाती हूँ सर्वस्व किसी एक पर, बाकी जमाने की माँ हूँ, बाकी जमाने की माँ हूँ। क्या मैडम, क्या पंक्ति आपने कह दिया। पले ये संसार, पले ये संसार ममता की छाँव में मेरी, पले ये संसार ममता की छाँव में मेरी, तो अच्छा है, वरना मैं दुर्गा काली का अवतार हूँ, दुर्गा काली का अवतार हूँ। वाह वाह, धन्यवाद। क्या बात है मैडम, सुन छोड़ने को तो जी नहीं चाह रहा है। लेकिन लेकिन कुछ एक आप छोटी सी और, छोटी सी चलिए सुना देती हूँ। हिंद की फिजा में, हिंद की फिजा में धुआं धुआं हो गया, हिंद की फिजा
मैं धुआं धुआं हो गया, गर तू मुस्लिम मैं हिंदू हो गया, गर तू मुस्लिम मैं हिंदू हो गया। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, हुकूमत से ना तुझे कुछ लेना ना मुझे कुछ लेना। क्या बात है मैडम, वाह। गर मुझे मालूम है, हुकूमत से ना तुझे कुछ लेना ना मुझे कुछ देना, फिर भी तू मुसलमान मैं हिंदू हो गया, फिर भी तू मुसलमान मैं हिंदू हो गया। पर तेरे और मेरे, पर तेरे और मेरे इस पागलपन में हम बच्चों का सुनहरा भारत कहीं खो गया, कहीं खो गया। वाह वाह वाह, धन्यवाद। क्या, क्या क्या रचना आपने जो आखिर में, क्या समाज के ऊपर तमाचा आपने मारा है आज के इस बिगड़ती सूरत हाल पर। अगर इस रचना से कुछ सबक ले लें हम सब तो देश का नक्शा, समाज का नक्शा और पूरी दुनिया का नक्शा किस तरह तब्दील हो जाए। फिर वही बागों में फूल उसी तरह मुस्कुराते रहें और गुलशन का जो है गुलदस्ता इसी तरह चारों तरफ बिखराते रहें हम आप। बहुत अच्छा लगा, मैं तो जी नहीं चाह रहा है और न हिम्मत हो रही है हमारी कि आपको छोड़ दिया जाए इतनी आसानी से, लेकिन वक्त की मजबूरियां हैं, इजाज़त वक्त जहां तक नहीं दे पा रही है, इस उम्मीद पर कि हम फिर मिलेंगे और आपसे और बहुत सारी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनने का एक बहुत खूबसूरत मौका नसीब आएगा। तो इसी के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, सारे ग्रैंड एशियन चैनल न्यूज़ आपका और हमारे यहाँ जितने साहित्यकार आते रहे हैं सबका हम शुक्रिया इसी तरह अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आएगा, ख़ास करके ये एपिसोड आप सारे हाज़रीन को पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।